लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट टू, थर्ड चैप्टर, साइंस 1, 10th स्टैंडर्ड। ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो, रिप्रोडक्शन इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे दूसरे को, अपने जैसे दूसरे को जन्म देते हैं, अपनी प्रजाति के दूसरे ऑर्गेनिज्म को, यानी बेबी बॉर्न करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी होता है और असेक्सुअल भी होता है। असेक्सुअल मतलब एक ही पेरेंट से, मतलब मदर से डॉटर, फिर वो डॉटर मदर बनेगी, मतलब वो डॉटर से फिर मदर, फिर वो डॉटर मदर से डॉटर बॉर्न होगी। इसमें एक ही पेरेंट रहते हैं, ठीक है, दो पेरेंट्स नहीं रहते। मतलब एक सेल रहती है, उससे दो सेल बनती है, वो दो सेल ग्रो और डेवलप होके और दो दो में डिवाइड हो जाएगी, यानी एक का दो, दो का चार, चार का आठ, ऐसा होता रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और बेबी बॉर्न होता है, जाइगोट। ऑलराइट, असेक्सुअल में देयर इज ओनली वन पेरेंट्स, मेल फीमेल नहीं होता है, एक ही पेरेंट होता है, उसको मदर सेल कहते हैं और मदर से डॉटर सेल बॉर्न होती है, फिर वो डॉटर सेल ग्रो और डेवलप होती है, ठीक है, और फिर वो मतलब डॉटर सेल ग्रो और डेवलप हो जाती है और फिर इतनी एडल्ट हो जाती है कि वो भी डिवाइड होने रहती है, तो जब वो डिवाइड होती है उसको मदर सेल कहेंगे। आई होप समझा। नेक्स्ट, नहीं समझा डोंट वरी, आगे हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन और आज की उसमें क्या टेक्नोलॉजी, ये भी हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए जो हेल्थ चाहिए वो, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रो हो रहा है, उसके उसके इल इफेक्ट क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है, सो फर्स्ट, और ये सारे आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें मैंने ना सेल्फ स्टडी वाला पार्ट मार्क नहीं किया है, मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। द रीज़न इज़, अब इसमें भी बहुत कुछ सेल्फ स्टडी का ओमिट होगा, सेल्फ स्टडी होगा मतलब ये साल के लिए निकाल दिया गया, रेड्यूस किया गया, बट नॉलेज इज़ नेसेसरी। ठीक है, और साइंस है इसके लिए आई एम नॉट स्किपिंग। हिस्ट्री होता, ज्योग्राफी होता तो थोड़ा बहुत हम लोग उसमें स्किप कर, मतलब वो सेल्फ स्टडी वाला टॉपिक हटा देते, बट साइंस नॉलेज के लिए है तो कर रहे हैं पूरा। विच आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो क्या है? तो एक तो रिप्रोडक्शन है, दूसरा रेस्पिरेशन है सांस लेना, तीसरा इंजेशन है खाना खाना, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, इंजेशन न्यूट्रिशन लेना, चौथा है डाइजेशन, फूड का डाइजेस्ट होना, हजम होना, नेक्स्ट है इजेशन, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का निकलना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये करता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंजेशन करता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये सारे एक्सेट्रा और भी है, ये सारे इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ये करेंगे, चाहे पेड़ हो, ठीक है, चाहे ह्यूमन हो, चाहे डॉग हो, कैट हो, प्लांट हो, ट्री हो, एक्सेट्रा। विच लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी, बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसमें कौन सा लाइफ प्रोसेस आता है? तो क्लियर है, उसमें एक तो न्यूट्रिशन आता है एनर्जी के लिए, इंजेशन फूड अंदर लेना, और दूसरा आता है रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, बॉडी में जो ब्रेकडाउन होता है फूड का, ये दो प्रोसेस तो आते ही है। ठीक है, रेस्पिरेशन में दो टाइप के रेस्पिरेशन रहते हैं, सेल्युलर रेस्पिरेशन यानी इनर रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, यानी सेल्युलर और बॉडी लेवल। नेक्स्ट, विच आर द मेन टाइप ऑफ सेल डिविजन, वॉट आर द डिफरेंस, ये सब हम लोग को प्रीवियस चैप्टर का या नाइन्थ का बेसिक पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर में था, कौन से दो टाइप के सेल डिवीजन है, तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है मायोसिस और माइटोसिस। व्हाट आर द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक असेक्सुअल रहता है एक सेक्सुअल रहता है, एक एक मायोसिस जो होता है वो माइटोसिस और मायोसिस, एक असेक्सुअल होता है और एक सेक्सुअल होता है, मतलब एक में मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, एक सेल का दो सेल, दो का चार, ऐसा होता है, और एक में मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है।
व्हाट आर द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन? सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का क्या रोल है? ठीक है, तो क्रोमोसोम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं. ठीक है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है. क्रोमोसोम डबल होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं. तो ये सब क्रोमोसोम का रोल है. क्रोमोसोम डिवाइड होता है, क्रोमैटिड फाइबर, ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है. अगर आपने प्रीवियस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. ठीक है, वी हैव स्टडीज वेरियस लाइफ प्रोसेस इन प्रीवियस क्लासेस. ऑल दोस लाइफ प्रोसेस दैट इज, देखो फर्स्ट आंसर यहाँ दिया है. हमने प्रीवियस क्लासेस में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है. तो वो लाइफ प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन, खाना खाना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के बाहर निकालना, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स, महसूस करना और उस हिसाब से रिस्पॉन्स रिप्लाई करना. ठीक है, जिसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, एक्सेट्रा. आर एसेंशियल टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव. ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे लाइफ प्रोसेस एक्सेट्रा जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवित रहने के लिए. बिसाइड दिस लाइफ प्रोसेस वन मोर लाइफ प्रोसेस ऑकर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन सब के अलावा एक और है प्रोसेस, वो है रिप्रोडक्शन, यानि बच्चे देना, अपने जैसे बच्चा पैदा करना, अपने जैसा अपनी प्रजाति का बच्चा पैदा करना. ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन क्लियर है. मैंगो ट्री से मैंगो का ही सीड आएगा. मैंगो ट्री से एप्पल का सीड नहीं आएगा, मैंगो का ही सीड आएगा. और वो सीड को जब सॉइल में डाला जाएगा, वाटर सप्लाई किया जाएगा, तो नया जो पेड़ उगेगा वो मैंगो का ही निकलेगा, एप्पल का नहीं होगा. जैसे डॉग की फैमिली में डॉग फीमेल डॉग को ही पपी को बच्चा, डॉग को ही बच्चा देगी, यानी उसका पपी ही बॉर्न होगा, किटन नहीं बॉर्न होगी, बिल्ली नहीं पैदा होगी. ठीक है, तो अपनी प्रजाति को ही रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, However, reproduction does not help the organism to remain alive. Reproduction का मतलब ये नहीं है, देखो respiration, excretion, nutrition, ये सब उसको जीवित रखने में काम आता है. ठीक है, ये सारे life process है जो उसको जीवित रखते हैं. लेकिन respiration से वो जीवित नहीं रहेगा, लेकिन उसकी प्रजाति आगे बढ़ेगी. ठीक है, However, respiration does not help the organism to remain alive. Respiration क्या, उसको जीवित रहने में रेस्पिरेशन का कुछ नहीं है, लेकिन उसकी जो नस्ल है, उसकी जो स्पीशीज है, मतलब उसकी जो प्रजाति है, वो कंटिन्यू होगी. बट इट हेल्प्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ऑलराइट, नेक्स्ट ऑब्जर्व द पिक्चर. लेट, इसमें कुछ पिक्चर दिया है और बताओ क्या क्या है पिक्चर. तो यहाँ तो यू ऑल कैन सी रिप्रोडक्शन हो रहा है. ये भी रिप्रोडक्शन है, ये भी रिप्रोडक्शन है. ठीक है, ये भी रिप्रोडक्शन है, यानी हैन अपने जैसे, हैन ने एग दी और एग में उसके जैसा बेबी निकलेगा. ये भी रिप्रोडक्शन है, यानी एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई. ये सेक्सुअल है, ये असेक्सुअल है. ठीक है, ये भी असेक्सुअल है, यानी ये ऑल कैन सी एक पोटैटो, पोटैटो दिख रहा है मुझे, या फिर उसमें से एक प्लांट निकल रहा है, तो इसको जनरेशन कहते हैं. जनरेशन, रीजनरेशन भी बोल सकते हैं. और ये वाला तो ग्रोन अप प्लांट दिख रहा है, तो ये यू ऑल कैन टेक इट एज अ फोटोसिंथेसिस. ये भी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है. ठीक है, नेक्स्ट. अब ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ऐसा पूछा ही नहीं गया है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स नेसेसरी. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज? मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज मतलब क्या? मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज मतलब अपनी प्रजाति को आगे तक मेंटेन करना. ठीक है, अपनी प्रजाति को आगे तक एग्जिस्ट करना, मेंटेन करना, मतलब वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा लेकिन उसके बच्चे, उसकी जनरेशन चलती रहेगी. वेदर द न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू अर्लियर वन दैट हैज़ प्रोड्यूस्ड इट. देखो, जो ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, यानी ह्यूमन से ह्यूमन बेबी हुआ, डॉग से डॉग बेबी यानी पप्पी हुआ, तो वो एग्जैक्टली सेम रहेगा? तो उसमें दो टाइप है. नो, एग्जैक्टली सेम होगा अगर असेक्सुअल है तो, और सेक्सुअल है तो सेम नहीं होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो अलग अलग गैमेट फ्यूज होते हैं. तो जो बेबी बॉर्न होता है वो या तो मेल को थोड़ा मैच होगा, मतलब वो डिपेंड करता है दोनों से सिमिलर होगा या पप्पा को पूरा सिमिलर होगा, लेकिन कन्फर्म नहीं है. एग्जैक्टली सिमिलर होगा ये बोल नहीं सकते. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली सिमिलर होगा वी कांट टेल.
लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली सिमिलर होगा, वी कैन क्लियरली टेल इट. ऑल राइट, हु डिटरमाइन वेदर द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज विल बी एग्जैक्टली सिमिलर नॉट और नॉट, किस पे डिपेंड करता है जो ऑर्गेनिज्म हुआ वह एग्जैक्टली सिमिलर है या नहीं है, किस बात पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है जीन्स पर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पर, ठीक है. और सेक्शुअल असेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे निर्भर करता है. अगर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो सिमिलर रहेगा, एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा असेक्शुअल में. और अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो सिमिलर होने के चांसेस कम है. मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में. वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल डिविजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्ली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म? रिलेशनशिप क्या है सेल डिविजन में और नए ऑर्गेनिज्म में जो पहले से एग्जिस्ट हुआ, जो पहले से एग्जिस्ट था उससे जो न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म बॉर्न होना, यही रिप्रोडक्शन है. एग्जिस्टिंग, तुम्हारे पेरेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे और तुम्हारे पेरेंट्स से तुम बॉर्न हुए, तो एग्जिस्टिंग से न्यू बॉर्न हुए, ठीक है. दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, समझा? ये रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है. तो उसका रिलेशनशिप क्या है सेल डिविजन से? तो सेल डिविजन से ही होता है, यानी माइटोटिक, माइटोसिस और मायोसिस. तो मायोसिस जो होता है उससे ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. जो माइटोटिक सेल रहते हैं, जो माइटोटिक सेल डिविजन होता है उससे बॉडी ग्रो और डेवलप होती है. यानी दुबला पतला है तो मोटा तगड़ा होगा माइटोटिक में, ठीक है. और मायोसिस में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और बेबी बॉर्न होता है. आई होप ये सब प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है. यू ऑल कैन टर्न द पेज और पढ़ सकते हो मायोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया है दिस इज द डेफिनेशन फॉर रिप्रोडक्शन. एक्चुअल में डेफिनेशन यहाँ तक ही है, ठीक है. एक्चुअल में डेफिनेशन यहाँ तक है, एग्जाम में पूछेगा. अब यहाँ से वी आर स्टार्टिंग विद आंसर, तो मेरे साथ आंसर मार्क करते जाओ. साइंस वन साइंस टू में सिर्फ टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के आंसर पढ़ोगे इट्स इनसफिशियंट. आकर तुम बोलोगे सर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए मैंने वो पूरे पढ़ लिया, तो मैं बोलूँगा यू विल नॉट गो ओवर 50%. हाँ, मतलब तुम्हारा 40 आउट ऑफ 20 अबाव जाने के चांसेस नहीं है, ठीक है. हाँ, कुछ लोग सिर्फ पास होने के टारगेट से पढ़ रहे तो उनके लिए ठीक है, लेकिन इफ़ यू हैव अ गुड टारगेट, इफ़ यू हैव टू स्कोर 75, 80, 85, 95 जो भी है, तो फॉर दैट आखिर तुम टेक्स्ट बुक के पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिर्फ प्रिपेयर करोगे, इट्स इनसफिशियंट. ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन मार्क किया है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर रिप्रोडक्शन. सो रिफाइंड रिप्रोडक्शन सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्ली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. नया ऑर्गेनिज्म का पैदा होना एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, सेम प्रजाति के जो अभी मौजूद है ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का बॉर्न होना, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन. लेकिन डेफिनेशन में मैं कहूँगा एक और लाइन ऐड कर लो, ठीक है. क्या? रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक खास कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन, इसको डेफिनेशन में ऐड कर लेना चाहिए, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. और सो डेफिनेशन, डिफाइन रिप्रोडक्शन या वॉट इज रिप्रोडक्शन, तो यू हैव टू राइट दिस आंसर, ये लाइन ऐड कर लो, ठीक है. नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरियस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ ईच स्पीशीज. हर स्पीशीज का जो इवोल्यूशन हुआ है, फर्स्ट चैप्टर डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन, हर स्पीशीज कैसी इवॉल्व हुई, ठीक है, उसमें भी रिप्रोडक्शन इज एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, ठीक है. नेक्स्ट, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑकर्स मेनली बाय टू मैथड. लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, द टू मैथड्स आर असेक्शुअल एंड सेक्शुअल. दो मैथड है, एक है असेक्शुअल, असेक्शुअल मतलब वन पेरेंट से वन, एक पेरेंट से बेबी और फिर उससे वन पेरेंट से दो, वन का टू या वन का मैनी भी हो सकता है, दैट्स नॉट दैट वो नहीं बोलेंगे, एक का दो, दो का चार या एक से दस, एक से सौ, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन इसमें मेल और फीमेल नहीं होता है, एक ही पेरेंट रहता है जो एक ही पेरेंट सेल रहता है जो डॉटर सेल को बर्थ देगा, या एक ही ऑर्गेनिज्म रहेगा
वो मेल फीमेल नहीं होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म होता है और उसके थ्रू उसकी पीढ़ी, उसकी जनरेशन आगे बढ़ती है, ठीक है, नेक्स्ट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो रहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में, डॉग, कैट, शिप, गोट, मेल फीमेल, मेल होगा फीमेल होगा, दोनों के जब दोनों के जब गैमेट्स फ्यूज होंगे तो जायगोट फॉर्म होगा और वो बेबी में डेवलप होगा। और असेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है, एक ही पेरेंट रहता है और उससे बेबी, उस वही बच्चों को वही, उससे ही दूसरा बेबी डेवलप होगा, मतलब उससे ही उसके बेबी, उससे ही उसके बच्चे आगे प्रोड्यूस होंगे, दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो मैंने फिर डेफिनेशन मार्क किया यहाँ पर, ठीक है, डेफिनेशन डिस्टिंग्विश का फर्स्ट पॉइंट भी बनता है, जैसे रहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो डेफिनेशन यू कैन राइट इट फॉर द फर्स्ट पॉइंट। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। नया ऑर्गेनिज्म पैदा होना एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से सेम प्रजाति के बिना गैमेट के इन्वॉल्वमेंट, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं है इसमें, इट्स कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप समझा। सो ये डिस्टिंग्विश का फर्स्ट पॉइंट है, डेफिनेशन या व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। देखो टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है, रीज़न इज आई हैव अप्लाइड ऑयल ऑन माई हेयर, फिर भी मतलब काफ़ी हैंड वॉश करने के बाद भी देर इज स्टिल सम मार्क्स, ठीक है। सो डोंट टेक इट एज के सर का टेक्स्ट बुक इतना गंदा है एक्सेट्रा, ठीक है। एक्चुअल में टाइम इधर उधर से एडजस्ट करके आई हैव टू मेक वीडियोज। एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्टली जेनेटिक सिमिलैरिटी विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। देखो ये रिप्रोडक्शन में दो गैमेट फ्यूज नहीं होते, दो अलग अलग यानी मेल और फीमेल, दो डिफरेंट गैमेट का यूनियन नहीं होता है। इसके लिए जो नया ऑर्गेनिज्म रहता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है, यानी उसके वो पूरा अपने पेरेंट्स का रेप्लिका होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेबी बॉर्न होगा वो पूरा डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट रेप्लिका कॉपी होगा किसका, अपनी मदर सेल का, ठीक है, विद द रिप्रोडक्शन ऑर्गेन। उसमें मेल फीमेल नहीं होता है तो एक ही सेल रहती है, उसको मदर सेल कहते हैं, जो बॉर्न होगा उसको डॉटर कहेंगे, बस मेल का कुछ काउंट नहीं करते यहाँ पर। दिस इज यूनिपेरेंटल। देखो यहाँ पे और एक ये सब पॉइंट डिस्टिंग्विश में ऐड कर सकते हो, क्या सेकेंड पॉइंट डिस्टिंग्विश का क्या रहेगा, ये कि द न्यू ऑर्गेनिज्म इज एग्जैक्ट जेनेटिकल सिमिलैरिटी, मैं अपने वर्ड्स में, द न्यू ऑर्गेनिज्म इज एग्जैक्टली जेनेटिकल सिमिलर विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। व्हाई, बिकॉज देयर इज नो यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स। और सेक्सुअल में तुम लिखोगे कि एग्जैक्टली जेनेटिकल सिमिलर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग गैमेट फ्यूज होते हैं ना, मेल के फीमेल के, पप्पा मम्मी दोनों के, यानी मेल फीमेल दोनों के गैमेट फ्यूज होते हैं, तो जो न्यू बॉर्न होता है उसके अंदर वेरिएशंस आता है, चेंजेस बदलाव आते हैं, यानी कुछ पापा का कुछ मम्मी का, तो कुछ नया होता है, ठीक है, नेक्स्ट। दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। दिस इज यूनी मतलब वन, एक पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है, दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, मतलब दिस रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय यूनिपेरेंट्स, मतलब वन पेरेंट्स, एंड इट इज ऑकर्ड बाय माइटोटिक सेल डिविजन। और ये कैसे होता है, मायोसिस से नहीं होता है, माइटोटिक होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन, एंड इट ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, सॉरी, माइटोटिक मतलब माइटोसिस, ठीक है, सेल डिवीजन मतलब मायोसिस में, देखो मैंने बताया मेल फीमेल, माइटोसिस में मेल फीमेल नहीं। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज ड्रॉबैक, वेर इसका नुकसान ये है कि इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है तो वेरिएशन नहीं मिलता है, बदलाव ज़्यादा नहीं मिलता है, सेम कॉपी मिलते रहती है, जो नया बॉर्न बेबी है वो उसके पेरेंट्स का कॉपी बनता है, ठीक है, तो कुछ नया नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, इसका ड्रॉबैक मतलब नुकसान ये है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है तो कुछ नया यानी वेरिएशन नहीं आता है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है कि बहुत फास्ट होता है, वेर एज फास्ट प्रोसेस बहुत फटाफट होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इसका एक एडवांसमेंट है, यानी ये इसका एक गुड पॉइंट है। एक बैड पॉइंट ये है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, लेकिन गुड पॉइंट ये है कि फास्ट प्रोसेस है। आई होप समझा। पेज नंबर 22,
नाउ वी आर जंपिंग टू पेज नंबर 23, ऑलराइट। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में, और फिर दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट यूनिसेल्युलर, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है, मल्टीपल फिजन से होता है। बाइनरी फिजन है मल्टीपल फिजन, और थर्ड है बडिंग। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तीन तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग, ठीक है। बाइनरी फिजन मतलब एक का दो, एक से दो, एक सेल से दो सेल बनना, उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन मतलब वन टू मैनी, एक से सौ, पचास, एक से हज़ार, ठीक है। देखो बाइनरी फिजन, एक अमीबा था, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर सेल डिवाइड हुआ, और एक अमीबा से दो अमीबा पैदा हुए। एक अमीबा, ये यूनिसेल्युलर एक सेल से बना है, एक अमीबा सेल से, एक अमीबा मदर सेल से दो अमीबा डॉटर सेल पैदा हुए। अब इसमें याद रखो मदर पूरी तरह से वैनिश हो जाती है, मतलब मदर डॉटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एक से दो ना, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। एक से दो ना, दिस इज पैरामेशियम, पैरामेशियम, एक से दो पैरामेशियम बने, ठीक है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर सेल डिवाइड हुआ, और दो पैरामेशियम डेवलप हुए, ठीक है। उसी तरह से युगलिना का भी देख सकते हैं, एक युगलिना था, पहले टेंटिकल दो हुए, ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस दो हुए, फिर उसकी बॉडी डिवाइड होने लगी और सेपरेट दो न्यूक्लिना बन गए। सो दिस इज बाइनरी फिजन, ठीक है। अभी बाइनरी फिजन में भी तीन टाइप के बाइनरी फिजन है। असेक्सुअल का फर्स्ट वाला बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में भी तीन टाइप के बाइनरी फिजन है, डिपेंडिंग अपॉन द शेप, शेप साइज एक्सेट्रा। देखो अमीबा का कोई प्रॉपर शेप नहीं है, तो वो कहाँ से भी डिवाइड होता है, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन। कहीं से भी डिवाइड होता है, लेंथ वाइज भी नहीं, ब्रेथ वाइज भी नहीं, डायगनल वाइज भी नहीं, कैसे भी डिवाइड होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन। दूसरा है पैरामेशियम, पैरामेशियम हमेशा ब्रेथ वाइज डिवाइड होता है, देखो ऐसा पैरामेशियम हमेशा ऐसा डिवाइड होता है लेंथ वाइज, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। हमें पैरामेशियम हमेशा ऐसा, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ड्रॉ समझने के लिए यहाँ एक रेक्टेंगल बनाया है और ऐसा डिवाइड करके बताया है कि ये लेंथ वाइज डिवाइड होता है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और युगलिना हमेशा ऐसा डिवाइड होता है, यहाँ रेक्टेंगल में तुम देख सकते हो लेंथ वाइज, सॉरी लेंथ वाइज ये था, ब्रेथ वाइज, ठीक है। युगलिना हमेशा ऐसा ब्रेथ वाइज डिवाइड होता है, मैंने डिवाइड के लिए लाइन ड्रॉ की बीच में, तो इसके लिए इसको लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है, ऊपर से नीचे डिवाइड हो रहा है तो लॉन्जिट्यूडनल, लेफ्ट टू राइट यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट डिवाइड हो रहा है, बीच में से डिवाइड हो रहा है तो ट्रांसवर्स, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट, और कहीं से भी डिवाइड हो रहा है, कहीं से भी लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज, डायगनल वाइज, कहीं से भी डिवाइड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन। आई होप समझा, यहाँ पे भी वही सब लिखा हुआ है, ठीक है, यू ऑल कैन रीड। एक से दो होगा, देखो डेफिनेशन है बाइनरी, बाइनरी फिजन का यहाँ मैंने डेफिनेशन मार्क किया है। इन दिस प्रोसेस, बाइनरी फिजन मतलब वन का टू, वन से टू। इन दिस प्रोसेस, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यस, इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है और दो सिमिलर डॉटर सेल बनते हैं, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ऑकर्स आइदर बाय माइटोसिस और अमाइटोसिस, प्रोसेस इसमें माइटोसिस भी हो सकता है या अमाइटोसिस भी हो सकता है। नेक्स्ट, अभी एक्सिस ऑफ फिजन मतलब कौन से एक्सिस से डिवाइड होगा, यानी लेंथ वाइज होगा या ब्रेथ वाइज होगा, ठीक है, वो एक्सिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेंथ वाइज हो रहा है तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और ऐसा ब्रेथ पे डिवाइड हो रहा है तो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा है। और कहीं से भी डिवाइड हो रहा है तो सिंपल बाइनरी फिजन, तो उसके एक्सिस पे डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ फिजन, ठीक है। डिवीजन ऑफ डिफरेंट, डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट, अलग अलग प्रोटिस्टा में, ये सब प्रोटिस्ट है जो अभी देखे हमने।
अलग अलग डिवीजन होता है, अमीबा का कोई शेप नहीं है, ठीक है, तो वो बाइनरी, सिंपल बाइनरी फिजन बताता है। पैरामोशियम ट्रांसवर्स होता है और यूग्लिना लॉन्जिट्यूडनल। आई होप समझा, ठीक है। बाइनरी फिजन कब होता है? जब कंडीशन फेवरेबल हो, यानी एक से दो डिवाइड होता है। कब? जब खाना पानी अच्छा हो, कंडीशन फेवरेबल हो, टेम्परेचर फेवरेबल हो, फूड एम्पल हो, मतलब फूड और वाटर एम्पल हो, यानी अच्छे खासे क्वांटिटी में हो। बाइनरी फिजन इज़ यूजली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट फूड मटेरियल। अच्छा खासा खाना अवेलेबल हो तो बाइनरी फिजन होता है, अगर फेवरेबल कंडीशन ना हो तो क्या होगा? मल्टीपल फिजन। अगर कंडीशन फेवरेबल ना हो तो मल्टीपल फिजन होगा। अब ये मल्टीपल फिजन क्या है? लेट मी जूम। मल्टीपल फिजन क्या है? वन टू मैनी, एक से बहुत सारे पैदा होना, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। एक से मैनी का बॉर्न होना, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन इज परफॉर्म बाय अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट। अमीबा भी, अमीबा ने हमने ऊपर देखा बाइनरी फिजन करता है, ठीक है, लेकिन कब? फेवरेबल कंडीशन में। जब कंडीशन फेवरेबल ना हो तो अमीबा और उसके जैसे जो दूसरे प्रोटिस्ट है वो लोग मल्टीपल फिजन करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है? जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होते हैं तो अमीबा, यहाँ पे अमीबा का एग्जांपल दिया, अमीबा स्टॉप हो जाता है एक जगह पर और अपने सारे सूडोपोडिया अंदर ले लेता है, अपने सारे सूडोपोडिया या सूडो भी बोल सकते हैं, अंदर खींच लेता है और स्पेरिकल शेप का हो जाता है। देखो इसको सूडो कहते हैं, ये जो इसके बॉडी के पार्ट्स ऐसे बाहर निकले हैं ना, ठीक है, इसको कहते हैं सूडोस, ठीक है, ऑलराइट, इसे कहते हैं सूडोस। जो जब अभी अमीबा का कोई शेप नहीं और सूडोस निकले और वो सूडोपोडिया के थ्रू आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन ना हो तो अमीबा अपने सूडोपोडिया अंदर ले लेता है और ऐसा स्पेरिकल शेप का हो जाता है, ठीक है, ऐसा रफ शेप से स्पेरिकल शेप का, इरेगुलर शेप से स्पेरिकल शेप का हो जाता है, बॉल शेप का, ठीक है, और उसके अंदर उसके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर जम जाता है जिसको कहते हैं सिस्ट, प्रोटेक्टिव लेयर, सिस्ट, वो अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर जिसको कहते हैं सिस्ट, और अंदर उसके न्यूक्लियस डिवाइड और रीडिवाइड होते रहते हैं, और न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड रीडिवाइड होता है, ठीक है। और एक ही अमीबा था लेकिन एक से अभी अंदर बहुत सारे डॉटर अमीबा बन जाते हैं, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है तो सिस्ट बर्स्ट होता है, सिस्ट बर्स्ट होता है और सारे अमीबा किड्स बाहर आते हैं, जिसको एम्यूबिले कहते हैं, एम्यूबिले। देखो मैं पीछे डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जब फेवरेबल कंडीशन ना हो तो अमीबा अपने, जब फेवरेबल कंडीशन ना हो, थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि और क्लियर दिखे, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन ना हो तो ये अमीबा, पैरेंट अमीबा अपने सूडोज अंदर खींच लेता है, ये सूडोज है, और ऐसा स्पेरिकल शेप का हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, और उसके ऊपर ये पर्पल कलर की आप लेयर देख रहे हो, इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलते हैं, वो बना लेता है जिसको सिस्ट कहते हैं, CYST, ठीक है, और अंदर जो उसका एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड रीडिवाइड होके बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्म, अंदर ही अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होने लगते हैं बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में, और उसके साथ फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो सिस्ट रप्चर, ब्रेक हो जाता है और सारे जो छोटे छोटे अमीबा के बच्चे हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिसको अम्यूबिले कहते हैं। ऑलराइट, आई होप समझा। अब जो मैंने समझाया वही यहाँ पर लिखा है, यॉल कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, यॉल कैन रीड एंड अंडरस्टैंड। चाहिए तो मैं रीड करके समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, कोई हार्ड वर्ड्स आएगा तो क्लियर हो जाएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन इज परफॉर्म बाय अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट। अमीबा स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, अमीबा अपनी सूडोपोडिया को बनाता बंद, मतलब आगे भेजना बंद कर देता है, एंड देयर बाय मूवमेंट, और अपना मूवमेंट रोक देता है, वेन एवर देयर इज अ लैक ऑफ फूड और एनी अदर टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशन। जब भी खाने की कमी हो, लैक ऑफ फूड, खाने की कमी हो, या कंडीशन बुरे हो, हालात सही नहीं हो, तो वो अपने सूडोज अंदर ले लेता है, सूडोज को बनने नहीं देता, यानी उसके जो बॉडी के पार्ट्स आगे आगे मूव होते हैं वो रुक जाते हैं।
इट बिकम्स राउंड, और फिर क्या बन जाता है, राउंडेड, बॉल की तरह राउंड हो जाता है, एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। सच एंसिस्टेड, ऐसा कवरिंग वाला अमीबा जिसके ऊपर सिस्ट का लेयर है, और अदर प्रोटिस्ट या कोई भी प्रोटिस्ट आर कॉल्ड सिस्ट, इसको कहते हैं सिस्ट, उसके ऊपर बॉडी पे जो प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है, तो उसकी वजह से उसका नाम ही सिस्ट रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या होता है, अंदर अंदर ही अंदर, मैनी न्यूक्लिया फॉर्म बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन, अंदर ही अंदर बार बार अंदर ही अंदर कंटिन्यूस न्यूक्लियर डिवीजन होता रहता है, और उसके साथ साथ सेल भी डिवाइड होती है इन द सिस्ट। इट इज़ फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसके साथ साइटोप्लाज्मा भी डिवाइड होता है, एंड थस मैनी अम्यूबिलिया फॉर्म, और बहुत सारे अमीबा के बच्चे, बेबी अमीबा जिसको अम्यूबिले कहते हैं, बनते हैं। दे रिमेन एंसिस्टेड, और वो अंदर ही रहते हैं, ठीक है, टिल देर आर एडवर्स कंडीशन, जब तक हालात बुरे हो या खाने की कमी हो तब तक वो अंदर ही रहते हैं, ठीक है। जैसी कंडीशन फेवरेबल होता है, जैसी ही वातावरण ठीक होता है या खाने की कमी खत्म हो जाती है, सिस्ट ब्रेक एंड ओपन ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, सिस्ट ब्रेक होता है जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है, एंड मैनी अम्यूबिले आर रिलीज, और अंदर जो बहुत सारे अम्यूबिले हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं सराउंडिंग में, नेचर में। आई होप समझा, ठीक है। तो आई गेव यू द लाइन टू लाइन डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन प्लस डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, ऑल राइट। थर्ड इज बर्डिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेल्यूलर ही चल रहा है, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में तीन तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, और थर्ड वाला है बर्डिंग, ठीक है। बर्डिंग भी बहुत ईजी है, देखो ये यीस्ट का सेल है, यीस्ट जो बेकरी में या मम्मी इडली पेस्ट में डालती है, यीस्ट फंगस है जो बहुत फटाफट फर्मेंटेशन करता है, और जिससे ब्रेड में डाला जाता है यीस्ट वगैरह, ठीक है। अच्छा यीस्ट में पहले क्या होगा, एक पेरेंट सेल है, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, और उसके साथ यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। अब ये जो सेकेंड सेल है ना, फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल दोनों ऐसी अपनी जैसे कि बेबी को बॉर्न करेंगे, ठीक है, तो ऐसी चेन बनती जाएगी, इसको कहते हैं बर्डिंग, ठीक है। सो बर्डिंग भी बहुत ईजी है, यू ऑल कैन ईजली अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर ये एक्टिविटी है, तुम दुकान से खरीद के कर सकते हो, ठीक है, ये इसको खरीद सकते हैं दुकान से, और फिर बर्डिंग क्या है, यू ऑल कैन डू। नेक्स्ट यू विल सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय बर्डिंग इन यीस्ट, अ यूनिसेल्यूलर फंगस। यीस्ट सेल प्रोड्यूस टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक डिवीजन। यीस्ट सेल से दो डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होगा, प्रोसेस क्या रहेगा, माइटोटिक डिवीजन, सो एज टू रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, ठीक है। दिस यीस्ट सेल इज कॉल्ड एज पेरेंट सेल, ये यीस्ट सेल को पेरेंट सेल कहेंगे, ये पेरेंट सेल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बल्जिंग हुआ, कुछ फुगा, ठीक है, न्यूक्लियस सेपरेट हुआ, इसको न्यू बर्ड्स, और फिर अलग डॉटर सेल बन गया, ऑलराइट। नेक्स्ट अ स्मॉल बल्ज अपियर्स ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट सेल, पेरेंट सेल के सरफेस पे एक छोटा सा बल्ज आने लगेगा, ठीक है। दिस बल्ज इज एक्चुअली अ बर्ड, ये बल्ज को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो बल्जिंग हुआ, ये जो फुलना हुआ, ठीक है, इसको हम लोग बर्ड कहेंगे। वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियर एंटर दिस बर्ड्स, ठीक है, एक में से दो डॉटर न्यूक्लियाई ये बर्ड में न्यूक्लिया है, देखो ये दो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, तो एक डॉटर न्यूक्लिया वो बल्ज में चला जाएगा बर्ड पार्ट में, और एक वहीं पे रहेगा, ठीक है। आफ्टर सफिशियंट ग्रोथ, अच्छा खासा ग्रो होने के बाद, बर्ड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल, अच्छा खासा ग्रो होने के बाद ये जो बर्ड है, ये जो बल्ज पार्ट है, ये सेपरेट हो जाएगा पेरेंट सेल से, ठीक है, एंड स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली, और अपना अलग से जीने लगेगा एज अ डॉटर यीस्ट सेल के हिसाब से, ठीक है। फिर वैसे ही इसमें से और एक बर्ड निकलेगा, और एक बर्ड निकलेगा, इसमें से भी और एक बर्ड निकलेगा, और ऐसी यीस्ट फटाफट रिप्रोड्यूस होता जाएगा। आई होप समझा, यीस्ट एक यूनिसेल्यूलर फंगस है। नेक्स्ट तो इसके साथ वी हैव कंप्लीटेड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, अभी हम लोग पढ़ने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्यूलर,
यानी मैनी सेल वाले ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेल्यूलर एक सेल वाले, मल्टी सेल्यूलर मैनी सेल वाले ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो देर आर फाइव वेज. फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड इज रीजनरेशन. अब देखो स्पायरोगायरा मल्टी सेल्यूलर प्लांट है, प्लांट की श्रेणी में आता है, मल्टी सेल्यूलर होता है. अब ये रिप्रोडक्शन कैसा होता है? ये डिवाइड हो जाता है, मतलब इसकी जो फ्रेगमेंट्स रहती है इसकी एक बड़ी सी चेंज ऐसी रहती है, तो ग्रास ब्रेक होएगा और वहाँ से नया प्लांट उगने लग जाएगा. ठीक है, जैसे धागे फाइबर के जैसा रहता है लंबा लंबा, ठीक है, लंबे लंबे फाइबर्स की धागे की जैसा रहता है स्पायरोगायरा, तो वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक होते जाता है, फिर हर एक पीस एक नए स्पायरोगायरा में ग्रो होने लगता है. दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, जब अच्छा खासा न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो, प्लेंटी ऑफ वाटर हो, तो स्पायरोगायरा का जो फिलामेंट रहता है छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाता है, और फिर हर एक छोटा पीस नए प्लांट की तरह नए स्पायरोगायरा में ग्रोथ है, और इसके थ्रू उसकी प्रजाति बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, लेट्स सी व्हाट इज देयर. दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पैरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप्स इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स. जो पैरेंट है वो छोटे छोटे पीसेज में फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है. ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू लीव एज एन इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म. हर एक फ्रेगमेंट एक इंडिपेंडेंट किस आत्मनिर्भर नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो होने लगता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन अलगे लाइक स्पायरोगायरा, स्पॉन्ज लाइक साइकॉन. ये रिप्रोडक्शन किस में नजर आता है? अलगे जैसे स्पायरोगायरा और स्पॉन्ज जैसे साइकॉन. वेन एवर देर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू स्पायरोगायरा, जब स्पायरोगायरा का अच्छा खासा न्यूट्रिएंट और अच्छा खासा पानी अवेलेबल होता है, इट फिलामेंट्स ग्रो अप वेरी फास्ट. उसके फिलामेंट्स बहुत तेजी से ग्रो होते हैं एंड ब्रेक्स अप इनटू मेनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली. हर एक फ्रेगमेंट आत्मनिर्भरता से ग्रो होने लगता है एज अ न्यू स्पायरोगायरा फाइबर. इफ द बॉडी ऑफ साइकॉन ब्रेक्स अप एक्सीडेंटली इंटू मैनी फ्रेगमेंट, सच फ्रेगमेंट डेवलप इंटू साइकॉन. साइकॉन खुद से नहीं होता है, लेकिन आखिर किसी एक्सीडेंटली आकर उसकी बॉडी ब्रेक हुई बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, तो हर एक फ्रेगमेंट नया साइकॉन बनेगा. नेक्स्ट इज रीजनरेशन. रीजनरेशन देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सॉरी आपने लिजार्ड को देखा होगा, लिजार्ड की टेल जब ब्रेक होती है तो रीजनरेट होती है, उसकी जगह नई टेल आती है, तो दैट इज रीजनरेशन. लेकिन लिम्स नहीं आते हैं, लिजार्ड के जो लेग्स आकर ब्रेक हुए तो नया लेग नहीं आएगा, लेकिन टेल रीजनरेट होती है लिजार्ड में सिर्फ. यहाँ पर भी, यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है प्लानारिया. मैं और एक का एग्जांपल दूंगा बाद में. आखिर आप प्लानारिया के 10 पीस करोगे तो हर एक पीस एक नया प्लानारिया में ग्रो होने लगेगा. ठीक है, देखो यहाँ पर भी ये प्लानारिया है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, टेल अलग किया, हेड अलग, और बीच में स्टमक अलग. अब यहाँ पर आप देखोगे हेड, ये हेड है, तो हेड में स्टमक और टेल पार्ट ग्रो हो गया. ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे टेल है, तो टेल में स्टमक और हेड पार्ट ग्रो हुआ. हेड में स्टमक और टेल पार्ट, टेल में स्टमक और हेड पार्ट, और यहाँ पे देखो स्टमक पार्ट है, तो इसमें हेड पार्ट और टेल पार्ट ग्रो हुआ. आई होप समझा. दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन. तो यू मे नो द वॉल लिजार्ड ब्रेक्स अप द एंड डिस्कार्डेड सम पार्ट ऑफ इट्स टेल इन एमरजेंसी. एमरजेंसी में लिजार्ड का एग्जाम्पल दिया है. Discarded part is regenerated after a period. जो discarded part है body का, जो part छोड़ दिया वो regenerate होता है. This is an example of limited regeneration. However, under certain situation, an animal planaria breaks up into body. Planaria कुछ situation में अपनी body को parts में divide करके छोड़ देता है, खुद ही automatically होता है. अगर आप भी करोगे तो हर एक part regenerate होगा, और प्लानारिया भी ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है सिचुएशन के हिसाब से. एंड देयर आफ्टर ईच पार्ट रीजनरेटेड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, और उसके हिसाब से हर एक पार्ट रीजनरेट करता है रिमेनिंग पार्ट, बॉडी के रिमेनिंग पार्ट को. थस टू न्यू प्लानारिया आर फॉर्म, और इसके हिसाब से एक पार्ट से दो नए प्लानारिया, दो या दो से ज़्यादा, वो तो एक का दो करता है एक्सीडेंटली हो तो, या फिर सॉरी अंदर सर्टन सिचुएशन वो अपने एक पार्ट अपनी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है. दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन.
बाकी इसके अलावा आप इसको देखोगे, इसका वीडियो सर्च करोगे तो एक को 10 पीस में किया है, तो 10 पीस 10 प्लानारिया में डेवलप होते हुए, ठीक है, अवेलेबल है वीडियो यूट्यूब के चैनल्स पर। नेक्स्ट बर्डिंग, बर्डिंग क्या होता है, अब ये उधर भी बर्डिंग था, देयर वाज वन एक और बर्डिंग था, बट देट वॉज बर्डिंग ऑफ यूनिसेल्यूलर। यहाँ पर जो बर्डिंग पढ़ रहे हैं ये बर्डिंग ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, वो यीस्ट के एग्जाम्पल का जो बर्डिंग था, क्योंकि यीस्ट यूनिसेल्यूलर एक सेल से बना, ये मल्टीरियल सेल्यूलर है हाइड्रा। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस का स्टेटमेंट सब सेम है, यहाँ पर एक बल्ज जैसा जनरेट होगा, इधर रीजनरेटिव सेल रहेंगे जो बल्ज की तरह निकलेंगे, फिर उसको बर्ड कहते हैं, फिर बर्ड एक एडल्ट की तरह ग्रो हो जाएगा, और जब वो अच्छे खासा ग्रो और डेवलप होगा वो पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा ऐसा जैसा मैंने ड्रॉ किया, और नीचे ज़मीन पर एक नया हाइड्रा उगने लगेगा। तो यहाँ पर वही लिखा है, यॉल कैन रीड, वेरी इजी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है डर्मल लेयर, डर्मल मतलब स्किन, ऑलराइट, बाकी सब एज इट इज़ है। देखो जब तक ये ऐसा बल्ज ऐसा कुछ डेवलप होगा उसको बर्ड कहते हैं, वो अच्छा खासा ग्रो और डेवलप होगा एडल्ट तक, जब तक वो पेरेंट से अटैच है, वो अपना न्यूट्रिएंट और जो भी उसको लगता है वाटर फूड एक्सेट्रा वो अपनी मम्मी हाइड्रा से लेगा, पेरेंट हाइड्रा से लेगा, फिर जब वो डिटैच होके ज़मीन पे आने, देखो ये समुद्र में पाया जाता है, सी में या फिर लेक में, जब वो नीचे गिरकर अपनी जड़ों को या अपने बॉडी को अच्छे से स्थापित कर लेगा, तो वो फिर अपना डायरेक्ट न्यूट्रिएंट खुद ही एब्जॉर्ब करेगा, ऑलराइट। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, जैसे प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब प्लांट जो मल्टी सेल्यूलर है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो एक प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम के प्लांट के लीव्स के ऊपर ही छोटे छोटे उसकी प्रजाति के पौधे उगने लगते हैं, लीव्स के ऊपर ही रूट स्टेम और लीव्स आने लगते हैं, उसकी लीव्स पर उसी प्लांट के रूट स्टेम और लीव आने लगते हैं, जो फिर लीव्स गिरने पर या लीव से डिटैच होकर सॉइल में गिरकर नया प्लांट बन जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से पोटैटो का तुमने देखा ही होगा, एक पोटैटो को 10 पीस करो और 10 को सॉइल में डालो, 10 नए पोटैटो प्लांट उगेंगे, तो दिस इज ऑल्सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सेम है स्वीट पोटैटो का, ठीक है। तो दिस ऑल कम्स अंडर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो आखिर हम इसका पत्ता, जैसे पोटैटो है, पोटैटो का हम स्टेम ले लो या पोटैटो ले लो, रूट ले लो, कुछ भी ले लो और उसको सॉइल में डालो, उससे नया प्लांट उगने लगेगा, यानी प्लांट के पार्ट से नया प्लांट बनेगा, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलो यहाँ रीड करके भी देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट स्टेम लीव एंड बर्ड्स, ऑलराइट। प्लांट का रिप्रोडक्शन किसकी मदद से, प्लांट का रिप्रोडक्शन उसके कोई भी बॉडी के पार्ट से, ठीक है, रूट हो, स्टेम हो, लीव हो, बर्ड हो, इट्स कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। डिफाइन में आया तो आप लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, डिफाइंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज इन पोटैटो इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ आइस प्रेजेंट ऑन ट्यूबर, वेर एज इन ब्रायोफाइलम इट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द लीव मार्जिन, ठीक है। ब्रायोफाइलम में लीव मार्जिन पे जो बर्ड्स प्रेजेंट है, मतलब न्यू प्लांट, उस इसको बर्ड्स कहेंगे, उससे प्लांट ग्रो हो सकता है, और पोटैटो में जो बर्डिंग रहेगा, जो आइज रहेगा पोटैटो में, जो आपने देखा होगा पोटैटो में कुछ ग्रीन कलर का उगने लगता है उसको आइज कहते हैं, ठीक है। पोटैटो घर में ज़्यादा दिन से रखा हुआ है या उसको पानी लग गया थोड़ा भी, तो उसमें ना उसको अच्छा ही कहते हैं, बर्ड्स आने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आइज, नॉड्स कहते हैं, नॉड्स आइज, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट लाइक शुगर केन एंड ग्रासेस वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड प्रेजेंट ऑन नॉड्स। शुगर केन ले लो या ग्रासेस ले लो, उसके नॉड का ऊपर का हिस्से का ग्रास लेंगे और ज़मीन पर डालेंगे तो नया प्लांट उगने लग जाएगा। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, ये नॉड से ग्रो होने वाला प्लांट का कैरेट है, रेडिश है, पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल का आप टॉप निकाल दो, रिमेनिंग फ्रूट खा लो चाहिए तो, लेकिन टॉप निकाल दो और उसको सॉइल में डालो, नीचे और एक पाइनएप्पल का प्लांट लग जाएगा, ठीक है। सो दिस ऑल कम्स अंडर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूट। आप पाइनएप्पल का वीडियो डालो, हाउ टू ग्रो पाइनएप्पल प्लांट, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे वीडियो। तो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी पार्ट ऑफ प्लांट से पूरा प्लांट डेवलप होना, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट लास्ट,
अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है फंगी का, फंगी ब्रेड पे आपने देखा होगा ग्रीन कलर का फंगस उगने लगता है। तो फंगस कैसे होता है, जब आप ब्रेड को दो चार दिन से ज़्यादा रख दोगे तो फंगस उसमें आने लगता है। तो फंगस में क्या होता है, फंगस राइजोइड से कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और फंगस ग्रो कैसा होता है, फंगस एक स्टेम के जैसा रहता है और उसके ऊपर स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर रहते हैं। जब स्पोरेंजियम अच्छा खासा मैच्योर हो जाता है, मतलब अच्छा खासा ग्रो और डेवलप होता है, तो वो बर्स्ट होता है और स्पोर सब जगह फैल जाते हैं। जहाँ जहाँ स्पोर जाके गिरते हैं वहाँ पे एक नया फंगी उगने लगता है, ठीक है। सो यॉल कैन रीड एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है। चाहिए तो मैं कर देता हूँ यहाँ से रीड। फंगी लाइक म्यूकर, फंगीज जैसे म्यूकर, हैविंग फिलामेंटस बॉडी, इनकी बॉडी भी फिलामेंट्स की धागे की जैसी होती है पतली सी। दे हैव स्पोरेंजिया, उनके टॉप पे क्या रहता है, स्पोरेंजिया। वंस द स्पोरा फॉर्म्ड, एक बार स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बन गया, स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है, स्पोरा रिलीज। स्पोर जर्मिनेट इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस, जहाँ पे उनको मॉइस्ट और वार्म प्लेस मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे डेड न्यूट्रिएंट्स हो, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर हो, ऑर्गेनिक मैटर, और उनको मॉइस्चर और वार्म जगह मिलेगी तो वहाँ पे स्पोर जर्मिनेट होंगे और नई फंगल कॉलोनी फॉर्म्ड हो जाएगी, नई फंगस की कॉलोनी वहाँ पर डेवलप हो जाएगी। आई होप समझा यहाँ तक, आई एम स्टॉपिंग द वीडियो ओवर हियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए वीडियो में अगले वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इट टेक 56 मिनट हो चुके हैं। ऑलराइट, आई होप समझा, वीडियो समझा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, और वीडियो कंप्लीट देखो, मैंने वीडियो में बहुत सारे डिस्टिंग्विश, डिफाइन, आंसर और शॉर्ट नोट्स देखो। डिस्टिंग्विश में दो चार पॉइंट लगाओगे तो शॉर्ट नोट बन जाता है, डिफाइन में सॉरी, और डिस्टिंग्विश में वही डिफाइन और शॉर्ट नोट्स के पॉइंट्स लिखे जाते हैं, तो सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। मेन है कॉन्सेप्ट समझना, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया क्वेश्चन आंसर खुद बना सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आज का वीडियो समझा, तो शेयर करो, लाइक करो, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करो, ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो इग्नोर करो, और एक चीज़ तो करो, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, थैंक यू।